हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज कर्नर। और मैं हूँ आपकी सिप्रा। मैं उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह इस बार भी आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है उसके टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, ये इट्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फ्रेंड्स, मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये फेज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है बहुत सारे वुमेन के केस में। जो वुमेन हैं उनके लाइफ में तो कभी ना कभी ये फेज आता ही आता है और फॉर अ लॉन्ग टाइम ये रहता है। इसमें मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें हमें फेस करना पड़ता है। जो लोग ऑलरेडी इस फेज में हैं उनको तो पता ही है, मगर अगर कोई टीनेजर है और उनके उनके लाइफ में ये दौर आया नहीं है अभी तक, तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि कैसे इसके साथ डील किया जाता है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या है, साइड इफेक्ट क्या क्या है, आपको इससे दिक्कतें क्या आती है और आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं जो भी मेन हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके घर में भी आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, तो उनके लाइफ में जब ये फेज आता है आप उनका साथ कैसे खड़े रह सकते हैं, आप उनको मोरली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर ले। क्योंकि ये दिखता बहुत आसान है, बोलने के लिए बहुत आसान है कि ये हर महीने का है, लेकिन गाइज इसके थ्रू जो जो फेस करना पड़ता है ना, जो लोग गुजरते हैं उनको ही पता है। सो हैव सम रिस्पेक्ट फॉर दैट गाइज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं व्हाट इज अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो पीरियड, हम सब लोग ये चीज़ अपने फेज में, अपने लाइफ टाइम में सुनते ही सुनते हैं। व्हाट इज पीरियड? पीरियड इज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसमें एक्चुअली क्या होता है, एक वुमेन और गर्ल दे ब्लीड फ्रॉम देयर वजाइना एवरी मंथ। नॉर्मली इट हैपेंस 28 डेज इंस्टांसेस इन एवरी वन्स साइकिल, बट किसी किसी को इससे पहले भी हो सकता है, किसी किसी को इसके बाद भी हो सकता है। और नॉर्मली पीरियड कितने दिन के लिए होता है? नॉर्मली 4 to 8 डेज के लिए होता है। किसी किसी को 4 to 5 डेज तक ब्लीड होता है, या फिर किसी को 7 डेज के बाद भी ब्लीडिंग हो सकता है इफ दे हैव एनी गायनिक इश्यूज। नॉर्मली पीरियड के वजह से क्या होता है ना, हमारे मैं ये बोल सकती हूँ पीरियड हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। पीरियड होने से ये एक वुमेन के बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। मैं ये बोल सकती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन इज ड्रिवन बाय हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेजेस ऑफ योर बॉडी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम क्या होता है, आपका बॉडी कुछ सर्टन टाइप ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें आपका ब्रेन और ओवरीज का बहुत बड़ा पार्ट है। दीज हॉर्मोन्स कॉज द लाइनिंग ऑफ योर यूट्रस टू थिकन। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि अगर कोई प्रेगनेंसी ऑकर होने का पॉसिबिलिटी रहे तो एक एग इम्प्लांट हो सकता है आपके यूटेराइन लाइनिंग पे, योर ओवरीज टू रिलीज एन एग। इसके बाद क्या होता है, क्या होता है, द एग्स मूव डाउन टूवर्ड्स योर फेलोपियन ट्यूब, ताकि वो वहाँ पे एक स्पर्म का वेट कर सके। अगर स्पर्म आता है वो एग फर्टिलाइज होता है और आप प्रेग्नेंट होते हो, अगर कोई स्पर्म मेंटेन नहीं करता है वहाँ पे, देन द लाइनिंग ऑफ योर यूटरस ब्रेक डाउन एंड यू विल गेट ब्लीडिंग। वही होता है मेंस्ट्रुएशन, वही होता है पीरियड। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पीरियड किस एज में आता है। आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन होता है मोस्टली 12 इयर्स के बाद, 12 इयर्स से ही आपका साइकिल का वो जो पॉसिबिलिटी है वो चांसेस इंक्रीज होता रहता है। आजकल तो लाइफस्टाइल के चलते ये देखा जा रहा है सर्वे से कि 8 इयर्स के बच्चे को भी पीरियड हो रहे हैं, और ये पहली बार जो आपको पीरियड आता है उस एज को हम एक्सटेंड करके 16 इयर्स ओल्ड तक भी कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी वैरी करता है। अगर 16 इयर्स के बाद भी आपको पीरियड नहीं आ रहा है, देन आई सजेस्ट यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और मैं आपको बता दूं, ये पीरियड जब स्टॉप हो जाता है, अगर आपको लगभग 1 ईयर तक कोई भी ब्लीड ना हो, आपको पीरियड ना हो, इसका मतलब आप लाइफ के मेनोपॉज के फेज में पहुंच चुके हैं। और ये ऑकर होता है मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 51।
मेनोपॉज मतलब आपका पीरियड, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गेटिंग पीरियड। देखिए, सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी वैरी करता है, जैसा कि मैंने बताया। किसी किसी को सिम्टम्स होते हैं, किसी किसी को नहीं आते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम ये है, पीरियड से पहले क्रैम्पिंग, आपके पेल्विक एरिया में आपको क्रैम्पिंग महसूस होता है। ये होता है क्योंकि आपका यूट्रस उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है ये लाइनिंग को रिलीज करने में, इसीलिए आपको वो क्रैम्पिंग आता है। मेरे केस में तो मैक्सिमम सिम्टम्स मुझे आता है, जैसे पीरियड होने से पहले हेडेक होना, आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना, आपको मूड स्विंग्स होना, फूड क्रेविंग्स होना, ब्लोटिंग होना बहुत ज़्यादा, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, देन एक्ने, ये सारे चीज़ आपको हो सकते हैं। ये सिम्टम्स है कि यू विल गेट योर पीरियड्स इन अ डे और टू और द सेम डे ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया अबाउट द सिम्टम्स। अभी बात करते हैं इस फेज के दौरान कौन सा वो दौर होता है जिस टाइम पे आपको वरी करना चाहिए, कौन से टाइम पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर वो सारे चीज़ें आपके साथ हो रहे हैं तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कंसिक्वेंसेस बहुत ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बाय द एज ऑफ 16 पीरियड नहीं हो रहा है, देन आप डॉक्टर को विजिट कीजिए। हो सकता है आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें बताए जिसके थ्रू आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। इसके अलावा अगर आपको पीरियड अप टू 3 मंथ्स नहीं आ रहा है या फिर उससे भी ज़्यादा है टाइम आपका गैप हो गया है, देन यू शुड कंसल्ट। देन नेक्स्ट डे अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन तक ब्लीड हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि 4 to 8 days तक नॉर्मली ब्लीडिंग होता है इन अ मंथ, अगर उससे भी ज़्यादा टाइम तक होता है, किसी किसी को 15-17 days तक भी होता है या फिर किसी किसी को 15 days में एक एक बार भी होता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको हर 15 days में एक बार पीरियड आते हैं, तो सी इज़ हैविंग सीवियर गायनिक इश्यूज। इसके अलावा अगर आपका पीरियड में आपको ब्लीडिंग मोर देन यूजल हो रहा है, आई मीन हेवियर हो रहा है या फिर लाइटर हो रहा है, बहुत कम हो रहा है ब्लीडिंग, तो आप उस केसेस में भी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। इसको छोड़ के अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, पीरियड में क्रैम्पिंग होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको उतना ज़्यादा हो रहा है कि आप बेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको मैं अगर अपने बारे में बोलूँ तो मुझे वोमिटिंग होता है, मुझे ब्लोटिंग होता है, सीवियर हेडेक होता है, बैक पेन होता है, मेरे पैर फूल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रहा है ये सब कंसल्ट डॉक्टर मैं भी करती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा होता है तो आई टेक मेडिसिन, बट आई सजेस्ट अवॉइड मेडिसिन, हर टाइम लेना भी अच्छा नहीं है इस टाइप पे। आप ट्राई कीजिए नेचुरली इस चीज़ के साथ डील करने के लिए। अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है इन बिटवीन पीरियड्स, इसका मतलब अगर आपका पीरियड का साइकिल अभी अभी ख़त्म हुआ है और उसके 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ते के डिस्टेंस में ही आपको फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है, देन यू शुड वरी अबाउट इट, यू शुड विजिट योर हेल्थ प्रोवाइडर। इफ़ यू फील सिक आफ्टर यूजिंग टैम्पन्स, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ किए जाते हैं, जैसे वो कप हो गया, वो टैम्पन्स हो गया, कुछ भी, अगर आप कोई पर्टिकुलर पैड भी यूज़ कर रहे हो उसके बाद आपको कुछ इन्फेक्शन्स हुआ है, देन आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हाइजीन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस केस में, तो आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव मिस्ड योर पीरियड्स एंड यू थिंक यू माइट गेट प्रेगनेंट और यू आर ऑलरेडी प्रेगनेंट, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आप ऑलरेडी प्रेगनेंट हो, उस टाइम में आपको ब्लीडिंग हो रहा है, देन ये तो बहुत बड़ा इशू है, आपको चेकअप करा लेना चाहिए। और आजकल जैसे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अगर इंटीमेसी के बाद आप अनवांटेड पील्स वगैरह कुछ ले रहे हो, जैसे हमारा अनवांटेड 72 वगैरह जो पील्स है आप ले रहे हो, बर्थ कंट्रोल पील्स मोस्टली, उसके बाद अगर आपको अप टू 3 मंथ्स पीरियड नहीं आ रहा है, देन यू शुड गेट वरी अबाउट इट। और आपको पता है कि आप प्रेगनेंट नहीं हो, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि ये पील्स आप जितना कम लेंगे, अगर ना ही लेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये आपके ओवरीज के ऊपर, आपके यूट्रस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डालता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीरियड पेन। आपको पता चले कि ये पेन मुझे पीरियड की वजह से ही हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पेल्विक एरिया में आपको पेन होगा, आपको स्टोमक एक होगा, आपको बैक पेन हो सकता है, आपका लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है,
आपको ग्रिपिंग पेन हो सकता है, कॉन्स्टेंट एक किसी भी टाइम, मतलब हेडेक वगैरह भी आपको हो सकता है काफी ज्यादा, दैट्स इंडिकेशन ऑफ पीरियड पेन। आप किसी दूसरी चीज को लेके वरी मत करो, ये पीरियड का है और ये नॉर्मल है, नेचुरल है। इसके अलावा इफ यू आर फीलिंग सिक, आपको अगर डायरिया जैसा कुछ हो रहा है, बार बार वॉशरूम यूज कर रहे हो, आपको कंस्टिपेशन हो रहा है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सोर ब्रेस्ट और स्वेलन एब्डोमेन, आपका पेट फूल जाता है पीरियड शुरू होने से पहले, आपको काफी ज्यादा ब्लोटिंग होता है, मुझे होता है, सो मैं समझ जाती हूँ कि टाइम आ गया है अभी। पेन फॉर द फर्स्ट 2-3 डेज ऑफ योर पीरियड, पीरियड होने के 2-3 दिन पहले ही ये सारे पेन शुरू हो जाते हैं किसी किसी को, तो वो एक इंडिकेशन है। या फिर पीरियड के फर्स्ट डे में आप बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेंगे, सेकेंड डे से लेके 3-4 दिन तक आपको काफी पेन रहता है, जो भी सिम्टम्स में बताए। सो या दीज आर द सिम्टम्स। पीरियड्स के पेन के बारे में तो हमने बात कर लिया, चलिए अभी बात करते हैं इस पेन के साथ हम डील कैसे करें, क्योंकि ये तो हर महीने का है, हर महीने आएगा ही, हर महीने सेम प्रॉब्लम से हम अगर जाएंगे, मतलब वो जो भी झेलना पड़ता है हमें, उससे पूरा हमारा लाइफस्टाइल का सिस्टम भी बदल जाता है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहता है तो किसी चीज में मन नहीं लगता है, तो इसके साथ हम डील कैसे करें, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। पहला है, अगर आपको काफी ज्यादा पीरियड हो रहा है तो आप पेन रिलीफ का कोई भी मेडिकेशन ले सकते हैं, जैसे पैरासिटामोल हो गया, इसके अलावा कोई भी एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मानती हूँ कि पीरियड्स के टाइम में आपको करने में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन कुछ कुछ माइल्ड एक्सरसाइज होता है आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, आपका जो बॉडी का केमिकल्स होता है वो रिलीज होता है, जो पीरियड के पेन को घटाता है। आप जो हॉट वाटर बैग होता है, कोई हीट पैक होता है, उसमें आप गर्म पानी भर के अपने लोअर बैक में दे सकते हैं, आपके लोअर अबडोमेन में दे सकते हैं, जहाँ पे भी आपको पेन हो रहा है, यू मस्ट ट्राई दिस। ये रियली काम करता है, मेडिसिन की तरह काम करता है, अगर आपको काफ़ी पेन हो रहा है तो कम हो जाता है। आप हर्बल टी ले सकते हैं, जैसे रोज मेरी टी हो गया, ये सर हर्बल टी अगर आप लेंगे तो आपको राहत मिलता है, क्रैम्पिंग थोड़ा कम होता है। आप एक हॉट हॉट वाटर नहीं, वार्म वाटर बात, मतलब एक सावर ले सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलता है। घी पे मसाज, स्लोली आपके लोअर अब्डोमेन के ऊपर आप मसाज दे सकते हैं, या फिर लोअर बैक पे मसाज दे सकते हैं, आपको अच्छा फील होगा। आप इस टाइम पे अवॉइड कीजिए हेवी मील्स खाना, मील्स में भी बहुत सारे, आपके डाइट में भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो इस टाइम में आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा खट्टा या फिर हेवी मील। आप ट्राई कीजिए इस टाइम पे चिकन, एग, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। कैफिन तो आप अवॉइड ही कीजिए इस टाइम। चिकन और एग की वजह से क्या होता है ना, आपका बॉडी हीट होता है, हीट की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और क्रैम्पिंग भी होता है। आप वो सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप ट्राई कीजिए कोजी मील्स, जैसे लाइट सूप हो गया, आप सूप ले सकते हो, वो बेस्ट रहता है, उस टाइम आपको लाइटर फील होता है और आप आराम से, आपको नींद भी आ जाता है। इस टाइम पे आप डार्क चॉकलेट्स ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं है। डार्क चॉकलेट्स आप ले सकते हैं, ये भी आपके क्रैम्पिंग को थोड़ा बहुत कम करता है। और इसमें आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो अगर आपकी मदद कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किलों से सामना करने में स्ट्रॉन्ग फील होता है, अगर आपके पार्टनर आपको उस टाइम पैम्पर करते हैं, अगर आपके पार्टनर आपके मूड स्विंग्स को हैंडल करते हैं, क्योंकि उस टाइम किसी में मन नहीं लगता है, हम काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल साउंड करते हैं, हर चीज़ में चिढ़ जाते हैं हम, अगर वो आपके मूड स्विंग्स को हैंडल कर पाते हैं। हमें थोड़ा पैम्पर चाहिए होता है, बस रेस्ट करे, अगर वो आपके लिए कुछ बना के ले आए या फिर चॉकलेट्स वगैरह आपको ऑफर करे तो आपका मूड ठीक रहता है। आप उस टाइम पे शांति से एक जगह पे बैठ के अपना म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, या फिर थोड़ी देर लेट सकते हैं, वही आपके लिए ही बेटर है, आई मीन बेस्ट है। आप ये सारी चीज़ ट्राई करके देखिए, आप पीरियड के पेन के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हाउ पेनफुल आर पीरियड पेन। ये काफी ज्यादा पेन होता है किसी किसी के केस में, और किसी किसी को माइल्ड होता है। डिस्कम्फर्ट तो पीरियड के टाइम में हर किसी को फील होता है, लेकिन पेन हर किसी को एक तरह का नहीं होता है। किसी को बहुत कम पेन होता है, मतलब कुछ आवर्स के लिए, फिर आराम से पूरा साइकिल उनका चला जाता है, लेकिन किसी किसी को सीवियर पेन होता है,
क्रैम्पिंग के साथ बॉडी पेन होता है, बैक एक होता है, चिड़चिड़ापन मच जाता है। और सर्वे की माने तो पीरियड का पेन क्लोज टू हार्ट अटैक का पेन जैसा है। वो इतना डिस्कम्फर्ट कर देता है बॉडी को कि नॉर्मली आपका बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाता, वो एबिलिटी इश्यूज आ जाता है चीज़ों को ग्रैप करने में, कहीं से उठ के बैठने में, या फिर बैठे हुए तो खड़े रहने में बहुत सारे दिक्कतें आती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये तो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मैं तो हैंडल ही नहीं कर पाती हूँ, मेरा बेटा इतना बदमाश है और उसी टाइम वो मेरे ऊपर कूदता रहता है, मारता रहता है, तो इट्स वे टू डिफिकल्ट टू हैंडल दैट फेज। सम पीपल डिस्क्राइब पीरियड पेन इज सेम एज लेबर कंट्रैक्शन इंटेंसिटी। लेबर पेन जैसे ही लगता है ना, पीरियड पेन किसी किसी को वैसे ही फील होता है। कोई कोई तो मतलब अनकंशियस आई मीन बेहोश हो जाते हैं, उतना ज़्यादा पेन होता है, वोमिटिंग मुँह के, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के जरिए मैं उन सारे वुमेन के इश्यूज़ को हाईलाइट कराना चाहती हूँ सोसाइटी को, कि ये जो चीज़ है आप इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए। ये मोस्टली मेन के लिए मैं बोल रही हूँ। आपके घर में जो भी औरतें हैं, आप उनको इस फेज में रेस्पेक्ट दीजिए। आप ये चीज़ को मतलब मजाक में बिल्कुल ही ना लीजिए, आई मीन लाइटली मत लीजिए कि ये तो इनका हर महीने का है, ये हर किसी औरत को झेलना पड़ता है, तो इसमें नया क्या है, इतना ड्रामा क्यों। घर वाले बोलते हैं ना, ये तो हर महीने का है, ड्रामा क्यों कर रहे हो। हर महीने का है, लेकिन हम जिसके थ्रू जा रहे हैं, हमें पता है हर महीने हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या झेल रहे। तो अगर आपके घर में या फिर अगर आपके सराउंडिंग में आपके फ्रेंड कोई दर्द में है, तो बी देयर सपोर्ट। कुछ नहीं तो आप उनको मोरल सपोर्ट दे सकते हो, थोड़ा पैम्परिंग ही कर सकते हो, अच्छे अच्छे बोल बोल सकते हो, ताकि उनका मेंटल स्टेट रिलैक्स्ड रहे, उनको पेन के साथ डील करने के लिए एक मतलब मोटिवेशन मिले, आप वो सपोर्ट बन सकते हो उनके लिए। बस आज के वीडियो में मैं आपके थोड़ा सा मदद करना चाहती थी वुमेन के लिए, कि ये सारी चीज़ों के साथ आप डील कैसे करें, और मेन के लिए कि आप वुमेन के इस फेस को कैसे रेस्पेक्ट दें। आई होप मैं कुछ ना कुछ मैसेज आपके दिल को छूने जैसा दी हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए। मैं हमेशा ही वेट करती हूँ आपके मैसेजेस का। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मेरे चैनल पर जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। जो लोग मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर अभी तक आपने क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास बराबर आते रहें। आई बिलीव मेरा आगे का वीडियो भी बहुत ज़्यादा ढांसू रहेगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब तक आप लोगों का प्यार मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, आई एम वेरी मच हैप्पी। आप मेरे शॉर्ट्स को जैसे ही प्यार दे रहे हैं, वैसे मेरे लॉन्ग वीडियोस को भी प्यार दीजिए। उम्मीद करती हूँ आगे भी हम लोग बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अपकमिंग वीडियो तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय।